हारमोनियम खरीदते वक्त उसमें क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए, क्या क्या हम चेक करें जिससे कि हमें ये सेफ सिक्योर हो जाए हमारा कि हमारा हारमोनियम सही है, अब हम इसे घर ले जा सकते हैं और इसके साथ रियाज कर सकते हैं। तो पूरा वीडियो देखिए, मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें मैं चेक करता हूँ एक हारमोनियम में, वही चीज़ें आप भी चेक कीजिए, आपका हारमोनियम बेहतर निकलेगा। घर बैठे निःशुल्क संगीत सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। कोमल गंधार, योर रियाज पार्टनर। रागें सीखनी हो, पियानो गुरु का इस्तेमाल करना हो, स्वयं रियाज करना हो, थाटों का रियाज करना हो, अलंकारों का, पलटों का, हर प्रकार का रियाज इसमें अवेलेबल है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी डाउनलोड कीजिए कोमल गंधार। असां ते तैनू रब मन्या हो, तू माने आना माने दिलदारा, असां ते तैनू रब मन्या, दस होर केड़ा रब दा दवारा, हाय रे होर केड़ा रब दा दवारा, असां ते तैनू रब मन्या। वड़ाली ब्रदर्स द्वारा गाया गया ये बहुत ही एक फोक सॉन्ग है पंजाब का, बड़ा ही खूबसूरत है, आप सुनिएगा ज़रूर इसे। तो आइए अब बात करते हैं फिर से कि हारमोनियम में क्या क्या हमें चेक करना चाहिए। पहले तो मैं आपको बता दूं कि किस प्रकार का हारमोनियम लेते हैं, उसमें मैं कई बार बता चुका हूं कि एक अच्छा वोकल सिंगिंग हारमोनियम जो हो उसमें 7 धमन हो, उसमें लेफ्ट कपलर हो, उसमें कम से कम 2 लाइन या फिर 3 लाइन हो, सिंगल रीड का तो बिल्कुल ना हो, सिंगल रीड लाइन का नहीं चाहिए हमें, डबल रीड लाइन या फिर ट्रिपल रीड लाइन का होना चाहिए, है ना। ये कुछ कुछ चीज़ें हैं जो मैं पहले ही बता चुका हूँ, है ना, कि ये हमारी स्पेसिफिकेशंस हैं जिनमें हमें हारमोनियम ख़रीदना चाहिए। कंपनी का ऐसा कुछ नहीं है, कंपनी पर भी वीडियो बना दिया है मैंने, आप लोग इतने सवाल करते हैं अलग 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 अलग, तो मैं सब पर वीडियो बना चुका हूँ, कंपनी पर भी बना चुका हूँ कि बीना है, गीतांजलि है, पॉलन कंपनी है, पालिताना है, सोरोकार है, बहुत सारी कंपनी है, अमृत है, बहुत सारी कंपनीज हैं, तो कौन सी आपको लेनी चाहिए। जर्मन रीड ना हो तो बेहतर है, क्योंकि दैट्स नॉट फॉर सिंगिंग, है ना, वो इंस्ट्रूमेंटल है, पैरिस रीड है, ये इंस्ट्रूमेंटल होता है ना। तो हमें जो लेना है वो कैसा होना चाहिए वो मैं पहले ही बता चुका हूँ, और वीडियोज़ हैं उनको भी आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिए। इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ कि हमें चेक क्या क्या करना होता है। जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हैं हवा फिटिंग और ट्यूनिंग। ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उसकी हवा फिटिंग कितनी है, सुर जो है कितना लंबा चल रहा है, सा बजाते हो तो कितनी देर तक उसका साउंड जो है वो रेजोनेंस जो है वो टिकता है, पहली चीज़ तो ये। उसके बाद अगर आप सा से अलावा कोई कॉर्ड लगा दो अगर, है ना, तो जाहिर बात है वो ज़्यादा हवा चाहिए उसको, तो कितना टिक रहा है। उसके बाद एक सप्तक का जो सुर है वही सुर दूसरे सप्तक में क्या मैच कर रहा है, क्या हमारा सा यहाँ खरज का मध्य के साथ से मैच कर रहा है, ये चेक करना होता है। ये मैं अभी आपको एक हारमोनियम में भी करके बता दूंगा, उसमें कोई दाना तो नहीं बोल रहा है ना, जो रीड लाइन होती है कई बार पीछे की पत्ती वो बोलती है ट्रर ऐसा करके भी बोलती है, वो तो नहीं हो रहा। ये सारी चीज़ें हमें ध्यान से देखनी होती है। तो पूरा वीडियो देखिए, मैं आगे एक हारमोनियम को चेक करके आपको बताऊंगा कि कैसे क्या चेक करना होता है, और कुछ कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो मैं बजा के देख लेता हूँ, इससे मालूम चल जाता है कि पूरा हारमोनियम चेक हो जाता है हर एक सुर। तो पूरा वीडियो देखिए और जानिए। तो हारमोनियम चेक करने के लिए आप देख सकते हैं ये एक नया हारमोनियम है, और आप जब ख़रीदेंगे तो मैंने वही चीज़ बता दी है कि 7 ब्लो होना चाहिए यानी कि 7 धमन, और ये कपलर है जो लेफ्ट कपलर है ये आप देख सकते हैं, और 3 लाइन का हो, 3 रीड लाइन हो तो ज़्यादा बेहतर, 2 का भी चलेगा, है ना। तो सबको उन सबको चेक करने का एक ही तरीका है जो मैंने आपको बताया कि सुर आप बराबर चेक कर लीजिए, जैसे कि मैंने बताया कि ये सप्तक टू सप्तक अगर जा रहा है तो सबसे पहले उस चीज़ को चेक करना होता है, फिर ये देखना होता है उसमें कुछ दाना या फिर ऐसे कुछ यू नो स्टील का कुछ बोल तो नहीं रहा है, है ना, और कपलर ऊपर नीचे करके देख लीजिए, जैसे कपलर अभी इसमें ऑन है ना, कपलर बंद करके देख लीजिए कोई की ऊपर तो नहीं उठ रही है, है ना। बाकी जो ट्यूनिंग का जो मामला होता है, अब ट्यूनिंग तो वो ठीक है, नया हारमोनियम लोगे तो ट्यून्ड ही दे रहा है वो, है ना, अब उसका मैं आपको ये नहीं कह सकता कि एप्लीकेशन लेके घूमो फ़ोन में और ट्यून है कि नहीं, आप उसका सा चेक करो, वो उतनी ही करने की ज़रूरत नहीं होती है, मगर हाँ इतना देख सकते हो कि वो स्टैंडर्ड ट्यूनिंग पे तो है एटलीस्ट। दूसरा कोई हारमोनियम लेके उसका सा बजा के देख लो, जैसे ही सा बजाया, अब यही सा किसी दूसरे हारमोनियम में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है ना। बाकी मैंने बताया था ना कुछ टेक्निक्स मैं करता हूँ, तो अब पहली तो ये है कि जैसे सा और सा मैच करिए, आप चाहें तो ये चीज़ आप कपलर ऑफ करके भी चेक कर सकते हैं।
अब जाहिर बात है आप हारमोनियम चेक कर रहे हैं तो एक बार थोड़ी बहुत सुर की समझ हो ऐसे किसी व्यक्ति को लेके जाइए साथ में, तो वो आपको ये मैच करके बता पाएगा, क्योंकि आप एकदम नया हारमोनियम ले रहे हैं तो आपको तो ये समझ होगी नहीं कि सुर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, है ना। तो जाहिर बात है आपके किसी गुरु या गाइड या जो भी आपको दिला रहा है हारमोनियम उसको आप ये चीज़ सुनाएं, है ना। तो ये एक चीज़ होती है कि सबसे पहले आप सा चेक, सारे सुर चेक करेंगे, ऐसे ही सिर्फ सा नहीं। कई बार ये होता है एक आध सुर ऐसा निकल ही आता है जिसमें कि वो जो है सप्तक जो है वो मैच नहीं कर रहा होता है, तो उसकी थोड़ी सी ट्यूनिंग करानी पड़ती है दोबारा, है ना। क्योंकि जाहिर बात है ये इंस्ट्रूमेंट ऐसा है, ऐसा नहीं कह सकते कि बनाने वाले की गलती हो गई, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट ऐसा है थोड़ा मौसम से भी इस पर असर आता है। कई बार ये होता है लकड़ी का थोड़ा फूलना या फिर नो, क्योंकि बनाते बनाते अब जाहिर बात है थोड़ा बहुत रह जाता है, है ना। तो वो कई बार होता है कि एक आध सुर रह जाता है ऐसे, तो इसलिए हमें हर सुर चेक कर लेना चाहिए। अब इसमें आप अगर देख सकें तो थोड़ा सा आपको महसूस होगा, है ना, थोड़ा सा आपको चढ़ा हुआ महसूस होगा ये, है ना, थोड़ा सा आपको महसूस हो सकता है। आप यहां पे देख लीजिए, है ना, हल्का सा आपको चढ़ा हुआ लग रहा है। अब जाहिर बात है चढ़ा हुआ है तो इन दोनों में फर्क है, लेकिन ये एकदम स्टेबल है, देख सकते हैं आप, है ना। इसी तरह से सारे सुर आपको देखने समान रहने चाहिए, क्योंकि ये एक अच्छी ट्यूनिंग की निशानी है। ठीक है, इस तरह से आप सारे सुर चेक कर सकते हैं। उसके बाद हर एक सुर बजा के देखना होता है, तो उसके लिए वैसे तो आप कैसे भी बजा सकते हैं, पर ऐसा है कि शुरू से लेकर एंड तक एक होता है ना, जैसे आप बजा के एक करके देख लो तो वो ये भी कर सकते हो। इससे क्या होगा, एक बार में ही सारे फ्लो में एक एक करके सारे सुर बज गए। है ना, और एक एक जो मैं इस्तेमाल करता हूँ, मैंने भी एक अपने ही एक यू नो साथ में सीखते थे हमारे, उनसे सीखी है ये, है ना। जैसे ये इसमें हारमोनियम में लगभग सारे ही सुर कवर हो जाते हैं, ये देख सकते हैं आप, दो दो की जोड़ी चलाते हुए बीच बीच में एक एक काला सुर छोड़ते हुए, ये लिया, फिर ये वाला, 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 ऐसे करके जाना है आपको। है ना, ये एक तरह से हारमोनियम की एक्सरसाइज भी हो जाती है, ऐसा नहीं है, है ना, आपकी उंगलियों के लिए भी। है ना, एक और होता है ये, वैसे मैं हारमोनियम टेक्निक्स के अंदर भी सिखा चुका हूं, पर आप इसमें भी देख सकते हैं ये। अब यही चीज आपको यहां से बजानी है, इसमें भी लगभग हारमोनियम में सारे कवर हो जाते हैं सुर। इसमें भी लगभग आपके हारमोनियम के सारे सुर कवर हो जाते हैं। तो यही कुछ चीज़ें हैं, सबसे पहले तो सप्तक टू सप्तक देख लीजिए, फिर कोई सुर बोल तो नहीं रहा है, ये जाहिर बात है इतना बजाओगे तो अपने आप ही मालूम चल जाएगा अगर एक आदमी कहीं कुछ बोल रहा होगा तो, ठीक है। और ये आप देख सकते हो हवा फिटिंग, जैसे कि मैंने बोला, जैसे अगर मैं इसको एकदम निकाल दूं हवा इसकी, अब मैंने फुल धमन भरी है और सा, तो ये आपने देखा कि इतनी देर चली, वैसे ये ठीक है, इससे भी अच्छी हो सकती है, है ना, वरना ये स्टैंडर्ड है, इससे ज़्यादा कम हो तो मेरे ख्याल से आपको चेक करवाना चाहिए। अब यही क्योंकि अगर आप कॉर्ड बजा के देखोगे तो थोड़ी धमन आप भर लो और फिर भी ठीक है ना, एक तरह से अपन कह सकते हैं, है ना, वरना एकदम से ही एग्जॉस्ट हो जाए, क्योंकि मैं तीन सुर बजा रहा हूँ वो भी विद कपलर, है ना, और ये है भी थ्री लाइन, तो सोचो आप, है ना, फर्क पड़ता है काफ़ी, है ना। तो इस तरह से ही आप हारमोनियम ले सकते हैं ये सारी चीज़ें चेक करके। मेरे ख्याल से आपको चीज़ें मालूम चल गई होंगी, ऐसे ही देखते रहें हमारे चैनल को, कुछ ना कुछ मैं नया लाता रहूँगा, कुछ ना कुछ टिप्स, कुछ ना कुछ आपके सवाल, मेरे जवाब मेरे एक्सपीरियंस के थ्रू, ठीक है। तो देखते रहें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, कमेंट्स में बताएं कि आप लोग और क्या क्या नए टॉपिक्स चाहते हैं जिन पर हम वीडियोज़ बना सकते हैं, तो सब्सक्राइब कीजिए, शुक्रिया।